पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के मुरम खदान से बने तालाब में मिली एक व्यक्ति की लाश के मामले को पुलिस ने सुलझाकर एक आरोपी को हिरासत में लेकर उसे अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ करनी प्रारंभ कर दी है। 31 मई की शाम मृतक ओम प्रकाश को उसके साथी ने फोन करके उमदा रोड स्थित अपने किराए के मकान में बुलवाया, जहाँ ओम प्रकाश के पहुँचने पर विकास तिवारी सहित सभी ने एक साथ शराब सेवन किया। इस दौरान पैसे के लेन देन को लेकर ओम प्रकाश का उसके साथियों से विवाद हो गया, जिसके बाद विकास तिवारी और उसके साथियों ने गला दबाकर ओम प्रकाश की हत्या कर डाली, जिसके बाद उसकी लाश को बोरे में भरकर मुरम खदान से बने तालाब के पास पहुंचे और शव को स्कूटी में बांधकर तालाब में फेंक दिया। दूसरे दिन आरोपियों ने ओम प्रकाश के मोबाइल से उसकी पत्नी को फोन कर पैसे की मांग की, जिसकी सूचना ओम प्रकाश की पत्नी ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक आरोपी आशीष तिवारी को हिरासत में लेकर पूरे मामले का खुलासा किया। कैकिंग थाना क्षेत्र में आज मुरम खदान से बने तालाब में एक शव मिला है, जो स्कूटी से बंधा हुआ था। सूचना मिलने पर बिलैतिंग थाना द्वारा तत्काल मर्ग पंचनामा कार्रवाई कर अपराध पंजीकरण कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब तक की जांच में यह पता चला है कि जो मृतक ओम प्रकाश है, उसको उसके साथियों ने फोन करके उनके किराए के मकान में बुलाया था। किराए के मकान में जब ओम प्रकाश वहां पहुंचा, वहां पर उसका साथी विकास तिवारी एवं अन्य साथीगण वहीं पर उपस्थित थे। वहां पे सभी लोग मिलके शराब पिए और शराब पीने के पश्चात पैसे के लेन देन को लेके उनमें आपस में विवाद हुआ, जिसके पश्चात विकास तिवारी उसके साथी ने मिलकर जो मृतक ओम प्रकाश है उसका गला दबाकर हत्या कर दिया। हत्या करने के पश्चात डेड बॉडी को छुपाने के लिए मृतक जिस स्कूटी से आया था उस स्कूटी के को ले जाकर जो मुरम खदान है, मुरम खदान में स्कूटी में बांध करके उसको फेंक दिया गया। अभी तक जो मुख्य एक आरोपी है बिलैतिंग के प्रकरण में एक आरोपी विकास तिवारी को हिरासत में लिया गया है तथा शेष आरोपियों की पता तलाश की जा रही है। जल्द ही अन्य आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी।